फुट साइज मैसिव यार, सरप्राइज सरप्राइज दिखाता हूँ अभी मैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अजमेर। तो सामान सारा रेडी हो चुका है, अब यहाँ से बारी है निकलने की। टाइम हो गया अभी 7, तो फटाफट मैं यहाँ से निकलता हूँ। और आज मुझे कहाँ पहुँचना है वो मैं आपको ब्रेकफास्ट पे बताऊँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा रास्ता तय कर लेता हूँ एंड उसी का अकॉर्डिंग आगे का पता चलता है कि पहुँचना कहाँ पर है। अभी हम चल रहे हैं, मैं और राठौर जी जा रहे हैं अन्ना सागर झील पर। ब्यावर डन। अब अगला जोधपुर यहाँ से 158 किलोमीटर, फिर उदयपुर है 264 के आसपास था। तो मैं जाऊँगा पाली होते हुए, ये गया उदयपुर होते हुए, तो हम निकलेंगे जोधपुर पाली पिंडवाड़ा अहमदाबाद। बहुत प्यारा हाईवे यार, यहाँ तो मन कर रहा था सुपर बाइक होनी चाहिए थी। आज डे टू है राइड का। मैं आज एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही है अजमेर से जोधपुर तक के रास्ते में कि यहाँ पे ना खाने पीने के इतने शॉप्स नहीं है, मतलब होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं बने हुए, बस छोटे छोटे से ऐसे इस टाइप के दिखेंगे बस 10 सीट। और अभी जोधपुर वाले रोड पे अब मैं पाली पे जाके रुकूँगा यार, तो पाली मुझे लगता है 10-20 किलोमीटर और है, वहीं पे खाना पीना होगा। 60-70 किलोमीटर चला ली है और अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए रुका हूँ। तो ये जगह जो है पाली, पाली ही जगह का नाम है। जस्ट यहाँ से जोधपुर के लिए 10 किलोमीटर के बाद राइड हो जाते हैं, तो हमें जोधपुर ना जाके सीधा, ये मुंबई हाईवे है, तो सीधा अपने को अहमदाबाद होते हुए आगे निकलना है गुजरात। तो फिलहाल अपनी बाइक ये खड़ी है और मेरा ब्रेकफास्ट आ गया। चाय मैं ऑलरेडी डन कर चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी यार, चाय पी लिया मैंने। मैं फटाफट ब्रेकफास्ट फिनिश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज का प्लान क्या है, अभी कितना और आगे चलना है। तब तक पेट पूजा फिर काम दूजा। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब आगे का मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोग्राम है मेरा। मैं निकलूँगा एक्चुअली मैं अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में मुझे कुछ लोगों से मिलना है, तो वो मैं आपको बाद में ही दिखाऊँगा। देन अहमदाबाद अगर सही टाइम पर पहुँचा तो मैं फिर आगे का और आगे निकलने का प्लान करूँगा। तो अभी सीधा निकलते हैं हाईवे पे। देखो हर चोटी के ऊपर एक मंदिर है, एक मंदिर आगे ऊपर चोटी का मंदिर, एक और है अगेन उसके एक तीसरी चोटी, उस पर एक मंदिर और है, उससे पहले एक चोटी और बना रखी है उस पर एक मंदिर है। हर चोटी पे आपको एक मंदिर दिखेंगे और ये कहीं ना कहीं याद दिला रहा अपनी उत्तराखंड की यार, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऐसा ही होता है, जो सबसे ऊँची चोटी होगी वहाँ पर एक देवभूमि मंदिर या माता का मंदिर होता है। अफकोर्स यहाँ भी माता का ही मंदिर होगा क्योंकि माता ही टॉप में आती है। यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से जोधपुर के लिए निकलते हैं और ये जो सीधा रास्ता है ये अपना सीधा जाएगा गुजरात होते हुए मुंबई, फिर तो जहाँ जाना चाहो जाते रहो। जैसे 150 किलोमीटर मैंने चला चुका हूँ, 150 के बाद अभी गाड़ी रुकी है, पेट्रोल पूरा भर दिया है, अब यहाँ से हम आगे की तैयारी करेंगे। माउंट आबू बॉर्डर 120 है, उसके बाद हम इंटर होंगे गुजरात में। से नीचे को निकल जाऊँगे माउंट आबू के लिए, तो वो भी एक अच्छी जगह है। फिलहाल हमारा टारगेट है ये हाईवे, ये सीधा कर्व हाईवे। टाइम हो गया 3:07 और मैंने बाइक आज 400 मीटर कंप्लीट कर लिए। कोई मिल गया, हमें जादू को नहीं ढकते हैं, बंद करके रखते हैं कपड़े के नीचे, ऐसे ही लग रहा है जादू, अब नहीं लग रहा है। ये पुष्पा के नायक विलन लकड़ी नहीं छोड़ेगा, लकड़ी के ऊपर बैठेगा और बैठे भी ऐसे ही हैं, बहुत रिस्की है। स्वागत है स्वागत है स्वागत है मेरा 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 गुजरात में। देखा मौसम, इसे बोलते हैं धांसू एंट्री गुजरात में। पालनपुर अच्छा खासा शहर है यार, लंबा चौड़ा, अजमेर के बाद ये पहला सिटी दिख रही जो लंबी चौड़ी है। इससे पहले तो दो गांव आ रहे थे, दो घर आ रहे थे, वही मार्केट था ख़त्म। ये है भाई लंबा चौड़ा। सो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ गांधीनगर, गांधीनगर पहुंच गया हूँ,
तो ये रही अपनी बाइक। सरप्राइज सरप्राइज दिखाता हूँ अभी मैं, क्या है मेरे लिए सरप्राइज। तो मैं बाइक के क्लब का मेंबर, पासपोर्ट मिल गया मुझे, मेरा वीज़ा वाला पासपोर्ट तो आया नहीं, पर ये बहुत क्विक मिल गया, क्विक सर्विस है। तो अपने अड्डे पे आ चुके हैं हम लोग, अब बस सरप्राइज़ यही था। मैंने बीच में बोला था कि मैं आपको सरप्राइज़ दिखाऊंगा, सरप्राइज़ यही है। अब बस रूम लेना है, नहाना धोना है, बाकी की बातें आगे होंगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गांधीनगर। अभी मैं गुजरात में हूँ, गांधीनगर में, जो कि यहाँ की कैपिटल है। तो आज मेरा अभी शुरू करने वाले हैं अपना टी प्लांटेशन, जो कि हमारी बात हुई है कैफे से, तो वहाँ पे मैं लेके चलूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ, कल का जो मेरा स्टे था वो बाइकर क्लब ने ही करवाया था, मिस्टर राहुल मल्होत्रा। तो कल का खाना पीना जो भी रहना था सब उनके अंडर में था। तो ओवरऑल ये मेरा कुछ रूम है। फाइनली यार प्लांट मैंने लगा दिया यहाँ पे, गुजरात में हूँ और गुजरात में मैं अभी गांधीनगर पे हूँ। तो मेरा मेन सबसे पहले मोटिव यही होता है कि जहाँ पे मैं प्लांट करूँ उसके आसपास में उस प्लांट को बड़ा करने वाला कोई ना कोई हो, जो एज अ मेरे बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो मेरे साथ है अपनी चाय की दुकान के भैया मिस्टर चार्मिक। हेलो, मैं आपकी ये जो जिम्मेदारी है ना पूरी तरह से निभाऊंगा, और आई गेस कि आपका जो मिशन आप जो लेके बैठे हो ना वो सक्सेस होगा पूरे। डेफिनेटली बॉस, बस इसी तरह से मुझे आप जैसे लोग मिलने चाहिए कि जो मेरा मिशन है वो आपका भी बने। धीरे धीरे पूरा हम जितने यूथ हैं, जो आज की जनरेशन है, वो इस चीज़ को समझे कि प्लांट कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए। चलिए ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल से पूरी करूँगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी आप, ये हमारा कैफ़े है चाय चुट्टा उल्टा, ये आपकी दुकान अपना। जो मेरे साथ जिन्होंने ये मेरा मिशन पूरा करवाया है या जो मेरे प्लांटेशन में हेल्प करी है, मेन श्रेय जाता है भैया को। तो एज ए राहुल मल्होत्रा, मिस्टर राहुल मेहता मेरे साथ है, जो कि हमारे बाइकर क्लब के फाउंडर है। तो थैंक यू सर आपके लिए, स्पेशली होटल करवाया, मेरा डिनर करवाया और सुबह मेरे साथ प्लांट के लिए भी गए, प्लांट लेके आए और अब यहाँ पे प्लांटेशन भी करवाया। थैंक यू। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, बींग एन फाउंडर ऑफ बाइकर्स क्लब, जो नेटवर्क हम लोग चला रहे हैं, एंड वी आर प्राउड कि मिस्टर प्रदीप कुमार जो है हमारे मेंबर है और वो ऑल इंडिया राइड पे निकले हुए हैं। जो एक कॉज है उनका प्लांटेशन, जो काफ़ी अमेजिंग उनका प्लांट है और क्रेजी है, मतलब अमेजिंग उनका एक पूरा कॉज राइड है ये, कि पूरे इंडिया भर में प्लांटेशन करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी इतनी गर्मियों के टाइम पे ये जो राइड कर रहे हैं इट्स अमेजिंग। इनको कोई भी तरह की हेल्प चाहिए, बाइकर्स क्लब हमेशा उनके साथ खड़ा है, एंड मिस्टर प्रदीप इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर प्रदीप्स स्पिरिट ऑफ दिस राइड, एंड आई होप दिस राइड विल बी सक्सेसफुल, एंड वी आर ऑलवेज देयर विद यू। एक्चुअली एनर्जी इसलिए आती है क्योंकि मेरे रास्ते में कोई ना कोई इस टाइप के लोग मिलते रहते हैं मुझे, जो एनर्जी देते रहते हैं, तो इसलिए एनर्जेटिक रहता हूँ मैं। प्लांटेशन अपना डन हो चुका है आज का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आज के इंडिया राइड का मेरा डे 3 है, जो कि मैं अभी गुजरात में हूँ, कि मैं गांधीनगर में हूँ। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहा हूँ, तो जो कि गांधीनगर से 250 किलोमीटर के आसपास है। अभी हाईवे से अंदर आके तिलीवाड़ा ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर अंदर है हाईवे से, तो मैं हाईवे से 50 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ। यह तो अच्छा है यार, वहाँ से तो भाई ज़बरदस्त है। ऑनलाइन करना पड़ता है? ऑनलाइन करना पड़ता है? ऑनलाइन में है। ऑफलाइन नहीं है? ऑफलाइन में नहीं है, रिसेप्शन राइट साइड में आगे पार्किंग कर दो। ठीक है। लाइटिंग क्या प्यारी लाइटिंग है, ऊपर मंदिर है और मंदिर का नाम है सुर पानेसर। अभी हम ऊपर सुर पानेसर मंदिर पे जा रहे हैं, नीचे नर्मदा नदी है, ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा एक कैसा व्यू आता है। खैर अभी रात है तो व्यू तो क्या ही आएगा, फिर भी ट्राई करेंगे कि कुछ
कैप्चर हो जाए हमारे GoPro में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अभी मैं हूँ गुजरात में, टिकट पासेस हैं, टिकट अपने ले लिए हैं, अब सीधे निकलते हैं आगे बस के लिए। तो टिकट लेने के लिए अभी कैश तो नहीं हो रहा, आपको ATM देना पड़ेगा अपना क्रेडिट कार्ड, उससे आपका काम बन जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को टाइम आ गया बाय बाय बोलने का।